तो कहानी की शुरुआत में हमें आइसीलाई नाम के एक छोटे से किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ के लोग बहुत ही सुकून से मिलजुल कर रहते थे। हालांकि ये वो टाइम है जब रोमन एम्पायर ने तकरीबन अमेरिका पर जंग करने के बाद कब्जा कर लिया था। ये किंगडम भी अमेरिका के ही अंदर आता था, लेकिन अब रोमन एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया था। सीन कट होकर आइसीलाई के पास ही एक किंगडम में जंग का माहौल देखने को मिलता है। रोमन सोल्जर्स यहाँ के मासूम लोगों को मार रहे थे और इस बुरी हालत में ये सभी लोग गॉड से अपनी मदद के लिए आने वाली गॉडेस के जल्दी आने की दुआएं करने लगते हैं। और रोमन सोल्जर्स से कहते हैं, देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब एक मलका आकर हमें तुम्हारे जुल्म से बचाएगी। ये बात काफी अजीब थी। रोमन सोल्जर्स का जनरल फौरन ये बात जाकर अपने टीम को बताता है, जो भी सारी कहानी सुनकर गुस्से में आ चुके थे। इसीलिए वो फौरन ही इस एम्पायर की सभी ताकतवर औरतों को जान से मारने का हुक्म दे देते हैं, स्पेशली वो औरतें जो उनका मुकाबला कर सकती थी। उससे ज्यादा शायद उनको अपनी हार का डर हो गया था। खैर, दूसरी तरफ आइसीलाई के जनरल भी उनके किंगडम के लिए बुरी खबर लाए थे, जो ये थी कि रोमन एम्पायर अपना एक नया जनरल यहाँ भेज रहे हैं। जरूर वो इनके साथ कोई भलाई तो नहीं करेगा, इन्हें अब किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए तैयार रहना होगा। इस वक्त किंग की वाइफ बुटिका अपनी बेटियों के साथ बस आ जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उनकी नजर दरख्त पे लटकी हुई लाशों पर पड़ती है। बुटिका की बेटियां घबरा जाती हैं, तो बुटिका उनसे कहती है, डरो नहीं, जरूर ये वो लोग होंगे जिन्होंने कोई बुरा काम किया होगा। तब बुटिका की बात काट कर बुटिका की मेडिस से कहती है, नहीं नहीं, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये क्रिश्चियंस हैं, जो कि रोमन्स क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने इन्हें मरवा दिया। खैर, ये लोग चलते चलते बस आ जाते हैं, जहाँ दूसरे कबीले के आए लोग जैसे ही बुटिका को देखते हैं तो एकदम से वो सभी उसके सामने झुक गए। वो उसे गॉडेस बुटिका कह रहे थे। बुटिका शॉक खड़ी थी, वो समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सब पास खड़ा एक रोमन सोल्जर भी देख लेता है। बुटिका को एक पावरफुल औरत मानकर वो अपने किंग के हुक्म पर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके साथ जबरदस्ती कहता है, तो वो लड़की जो सबसे पहले बुटिका के सामने झुकी थी जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उस आदमी का हाथ काट देती है। अगले ही सेकंड उसने इस गिरे हुए आदमी का सर भी काट दिया। इन्हें उसने रोमन सोल्जर को मार दिया और ये उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये लोग जानते थे कि अब यहाँ रोमन फौज आ जाएगी इस चीज का बदला लेने के लिए, इसलिए ये सब तो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब रोमन सोल्जर्स पर जाते हैं क्वीन के पीछे, यानी बुटिका के पीछे। किंग बुटिका की जान बचाने के लिए रोमन सोल्जर्स के साथ सुलह करने की बात कहते हैं। ये सोल्जर्स भी बुटिका की जान को बख्शने के लिए मान गए थे, लेकिन एक शर्त पे, जो कि ये थी कि बुटिका को सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा ये थी कि बुटिका पूरे एक साल तक महल से बाहर नहीं जा सकती। इन सबके यहाँ से चले जाने के बाद बुटिका अपने हस्बैंड से, यानी किंग से बात करती है। उन्हें बाजार में होने वाली सारी स्टोरी सुनाती है और पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने मुझे गॉडेस के क्यों पुकारा। किंग जवाब देते हैं, शायद इसलिए कि तुम बारबेरियंस की ब्लड लाइन से हो। बारबेरियंस यानी दुनिया के सबसे बहादुर सोल्जर्स। अगले दिन रूटीन की तरह बुटिका अपनी बेटियों के साथ खेल रही थी लकड़ी की नकली तलवार से, जिनको देखकर किंग खुश हो रहे थे। किंग को लगा कि शायद बुटिका को तलवार चलाना नहीं आता। वो अपनी बेटियों के जाने के बाद जैसे ही बुटिका को तलवार चलाने का सबक देने लगता है, तभी बुटिका बड़ी ही होशियारी से उसी के ऊपर अपनी नकली तलवार से ही हमला कर देती है। बादशाह को भी समझ नहीं आया था, एकदम से वो उसकी पकड़ में आ गए थे। और उसकी ये चाल देखकर बादशाह समझ गए कि बुटिका बहुत ताकतवर है। और जैसा वो सोच रहा है कि बुटिका को तलवारबाजी नहीं आती, वो गलत था। वो बुटिका को अब अपने रूम में लेकर आता है और उसके सामने एक तलवार निकालता है। ये तलवार उसे बुटिका के डैड ने दी थी। ये कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि बारबेरियंस की तलवार थी। इस तलवार की सबसे खास बात ये कि ये गॉडेस बुटिका की तलवार थी, जिसे बहुत से जादुओं की मदद से बनाया गया था। अब अगले दिन आइसीलाई में रोमन जनरल आते हैं, जिसके बारे में किंग को खबर पहले से ही उनके जनरल से मिल गई थी। यहाँ के सभी लोग दुश्मन होने के बावजूद रोमन जनरल को इतनी इज्जत देते हैं जैसे वो कोई बहुत खास मेहमान हो, लेकिन वो जनरल तो इन्हें कीड़े मकोड़ों से भी कम समझ रहा था। फिलहाल के लिए तो वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन किंग जान चुके थे कि उसके इरादे अच्छे नहीं, इसीलिए वो अपने जनरल के साथ मिलकर रोमन सोल्जर के उनके किंगडम पर हमला करने से पहले ही रोमन्स की यहाँ आई प्लेटून पर हमला करने का फैसला करता है, ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके। रातों रात ही अपनी फोर्स तैयार करते हैं और जंग पे निकल जाते हैं। ये जंग बहुत ही भारी थी, रोमन सोल्जर स्ट्रेंथ थे और इन लोगों के पास तो ज्यादा हथियार भी नहीं थे, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और ऐसे जंग जीत जाते हैं। ये लोग जंग जीत तो गए, लेकिन इन्होंने जंग जीतने की बहुत बड़ी कीमत अदा की। किंगडम वापस आकर जनरल बुटिका को बुरी खबर ये देते हैं कि किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर बुटिका को बुरी तरह तोड़ चुकी थी। इतना बड़ा सदमा, अब इस किंगडम को संभालने वाला भी कोई नहीं रहा था। इसीलिए बुटिका अपने आप को मजबूत बनाती है और अपने किंगडम की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। उसके किंगडम पर हुकूमत करने की खबर जैसे ही रोमन लोगों को पता चलती है, तो जनरल अगले ही दिन उसके पास पहुंच जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि रोमन की सरबराही में कोई भी औरत हुकूमत नहीं कर सकती किसी भी किंगडम पर, और बुटिका ने ये काम करके बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, जिसकी सजा के बदले अब उसकी सारी सल्तनत रोमन की हो चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, बुटिका को
इससे भी सख्त सजा दी जाती है। उसके किंगडम के उसकी सल्तनत के सभी लोगों के सामने उसके शाही कपड़े उतार कर रोमन सोल्जर उसे दरख्त से लटका कर कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ खड़ा हुआ कोई भी अपनी मलका के लिए, अपनी बुतिका के लिए कुछ नहीं कर पाता। बुतिका बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो चुकी थी, रात भी हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि आइसिनाई के अंदर बैठे हुए रोमन्स पर अचानक कोई हमला कर देता है। ये वही लोग थे जो बुतिका को गॉडेस मानते थे। वो यहाँ सभी रोमन सोल्जर से लड़कर बुतिका को बचा कर यहाँ से ले जाते हैं। अपने किंगडम में लचा कर बुतिका का इलाज किया जाता है। होश में आते ही बुतिका सबसे पहले अपनी बेटियों के बारे में पूछते हैं और उसे बुरी खबर ये दी जाती है कि उसकी बेटियाँ कोड़ों की सदमे मारी गई। और इस इतने बड़े सदमे में बुतिका दोबारा अपने होश खो देती है। काफी दिन यूं ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बुतिका सेहत याब होकर उस टेंट से बाहर निकलती है, जहाँ वो दिखती है कि बच्चे नकली तलवारों से लड़ना सीख रहे थे। इन बच्चों में वो लड़कियां भी थी जो उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लग रही थी। यही लड़कियां बुतिका को बताती है कि उनके किंगडम के लोग उसे गॉडेस यानी देवी मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि आप हमें रोमन से बचा लेंगी। बुतिका जिसके अपने प्यारों को रोमन्स ने मार दिया था, जिसकी सल्तनत रोमन्स ने ले ली थी, वो खुद भी रोमन्स से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है और खुद ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसे भी लगता था कि वो रोमन्स से लड़ जाएगी। उसे ट्रेनिंग करता देखकर यहाँ के लोग उसे उसकी वही तलवार देते हैं जो कुछ टाइम पहले ही किंग ने उसे दी थी। बुतिका इस तलवार को देख रही थी कि यहाँ पर एक दूसरे किंगडम का जनरल आता है जिसका नाम है वुल्फगार्ड। वुल्फगार्ड के भी किंगडम पर रोमन्स ने हमला कर दिया था। वो भी रोमन्स से जंग करना चाहता था, इसीलिए ये सब किंगडम वाले आपस में मिल रहे थे ताकि एक बड़ी फौज बनाकर आराम से रोमन्स को हरा सके। ये आदमी जब बुतिका को अपने लीडर के रूप में देखता है तो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और बाकी लोगों से कहता है, मैं एक लड़की के पीछे नहीं लड़ूंगा, वो भी ऐसी लड़की जिसे खुद लड़ना ना आता हो। वो यहाँ बुतिका के हाथ से उसकी तलवार लेकर उसका मजाक उड़ाता है और पीछे उसे नदी में फेंक देता है। अपनी तलवार को नदी में गिरता देखते ही बुतिका जल्दी से पानी के अंदर जंप कर देती है। उसे तैरना नहीं आता था, काफी देर तक वो पानी से बाहर भी नहीं आया। यहाँ के लोगों को लगने लगा कि वो मर गई होगी, लेकिन तभी अचानक बुतिका अपनी तलवार लेके यहाँ वापस आ जाती है और उसकी हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए वुल्फगार्ड जो पहले उसकी बेइज्जती कर रहा था वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ काम करने को भी मान जाता है। सभी लोग अब उसके एहतराम में उसके सामने झुक जाते हैं। रात होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर बुतिका के साथ एक रस्म कर रहे हैं, जिस रस्म में बुतिका को इन सब ने अपनी गॉडेस मान लिया था। और बुतिका यहाँ इन सब लोगों के सामने कसम खाती है कि वो अपनी जमीन को, अपनी सल्तनत को रोमन से वापस लेने की। बुतिका को खबर मिलती है कि अगले दो दिन में उनकी किंगडम से रोमन्स की बहुत बड़ी प्लाटून निकलेगी, यानी उनके फौजियों का। बुतिका उन फौजियों पर हमला करने का फैसला करती है, लेकिन वुल्फगार्ड बुतिका का साथ देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में होंगे, उनके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। वो बुतिका से कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनते ही बुतिका अकेले ही उनके ऊपर हमला करने का फैसला करती है। अब बुतिका अकेले ही अपने कुछ वफादार लोगों के साथ उन सोल्जर्स से लड़ने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वुल्फगार्ड भी अपने सारे सोल्जर लेकर उसकी मदद के लिए आ गया है, जो देख बुतिका को बहुत खुशी हुई थी। फाइनली अब रोमन फौज भी उनके सामने ही थी। ये लोग इस फौज के ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसी फौज के अंदर बुतिका का पुराना जनरल भी था। वो बुतिका से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बुतिका उसे पहचान नहीं पाती और एक रोमन सोल्जर समझते हुए उसे मार डालती है। उससे में बुतिका अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी थी। वो बार बार अब इस आदमी के पेट में तलवार मारते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी, जबकि दूसरी तरफ वुल्फगार्ड के सोल्जर्स यहाँ रोमन सोल्जर्स से लड़ रहे थे, जो रोमन्स को हराने में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे। ये लोग रोमन सोल्जर्स के सरों को नेजे पे लटकाते हुए अपनी जीत का हथियार बना लेते हैं और साथ ही इनका सारा सामान भी लूट लेते हैं। इस जंग के बाद काफी अरसे तक उनके किंगडम में अमन रहा। हम देखते हैं कि यहाँ बुतिका से मिलने के लिए कुछ बोने आए। वो बुतिका को बताते हैं कि तुम्हें पूरी तरह देवी बनने के लिए कुछ रस्में करनी पड़ेंगी, जिसमें वो बुतिका को इंसानों का खून पिलाने के साथ साथ और भी अजीबोगरीब काम करते हैं। इन्हीं बोनों के सरदार बुतिका को ये बात बता देते हैं कि तुम्हारा एंड, तुम्हारी मौत करीब है, तुम्हें मरने से पहले बहुत कुछ करना होगा। पता चलता है कि बुतिका को अभी तक अपनी बेटियों के वियंस आते थे। इस औरत के बातें बुतिका को उन वियंस से बाहर ले आती हैं और उसे यकीन दिलाती हैं कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। और इस रियलाइजेशन के बाद बुतिका बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ चुकी थी, पर बुतिका को अभी हिम्मत नहीं हारनी थी। वो ऐसे बीमार होकर पड़ी नहीं रह सकती थी। उसकी जिंदगी का एक मकसद था, उसे रोमन से लड़ना था, इसलिए वो अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार करती है और कमिलियो नाम के एक शहर पर हमला कर देती है, जहाँ के आम मासूम शहरियों को तो रोमन्स ने मार डाला था और अब उस शहर में सिर्फ रोमन सोल्जर्स रहा करते थे। बुतिका के किए गए इस हमले में बहुत से रोमन सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद बुतिका इस शहर को आग लगा देती है। बुतिका की इस जीत की खुशी में
अगले सुबह बुतिका के सभी सोल्जर्स अपने मुंह पे वैसा निशान बनाते हैं जैसा बुतिका के मुंह पे बना था। हालांकि वो ये बात नहीं जानते थे कि उसके मुंह पे बना हुआ निशान गुलामी का निशान है जिन्हें रोमन्स ने ही बनाया था। बुतिका जब इनसे पूछती है कि तुम जानते हो कि इस निशान का मतलब क्या है, तब सोल्जर्स उससे कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि ये निशान बनाकर हम आपकी पहचान को अपना बना रही है। बुतिका ये सब सुनने के बाद अपने आप को काफी ताकतवर महसूस कर रही थी। वो अब अगला हमला लंदन में करने का फैसला करती है जहाँ पे सबसे ज्यादा रोमन सोल्जर्स थे। ये लोग अपनी बहुत बड़ी सी फौज बनाते हैं और लंदन के ऊपर भी हमला कर देते हैं। यहाँ पर भी बुतिका के सोल्जर्स ने हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने बहुत से रोमन सोल्जर्स को मार डाला था और ये जंग भी जीतती थी। इन सभी हमलों के बाद रोमन्स की ताकतें यहाँ कम होती जा रही थी। यहाँ देखे अब रोम के लोगों को अपनी जानों का भी खतरा पड़ गया था, इसीलिए रोम के लोग अपने ही बादशाह के खिलाफ धरने देना शुरू कर देते हैं। वो बिल्डिंग चला देते हैं और यहाँ तबाही का एक नया मंजर बन जाता है। इस सारी अफरा तफरी में अब रोम के जनरल रोम के राजा के पास आते हैं उनसे पूछने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या जंग का ऐलान किया जाएगा, वो लोग जंग कैसे करेंगे। लेकिन इन सब बातों के जवाब में बादशाह कहते हैं, मुझे क्या पता, मैं एक वॉरियर थोड़ी हूँ जो मुझे पता हो कि जंग कैसे होगी। मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे सिर्फ गाना बजाना आता है और ये सारी चीजें मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये कहते ही वो अपने हाथ की फेल्स काट लेता है, यानी उसने अपनी जान दे दी थी। बादशाह के मरने की खबर बरतानिया तक पहुंच चुकी थी। वुल्फगार्ड यानी बुतिका का जनरल ये बात जानता था कि अथॉरिटीज अब चुप तो नहीं बैठेंगी, वो जरूर बदला लेने के लिए आएंगी। इसलिए वो बुतिका से कहता है कि हमें कुछ अर्सा के लिए गायब हो जाना चाहिए और फिर थोड़ी ही अर्से बाद हम और भी बड़ी फौज बनाकर दोबारा हमला करने के लिए निकलेंगे। लेकिन बुतिका अब कदम रोकना नहीं चाहती अपने, वो बस रोमन्स को खत्म करना चाहती है चाहे उसे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ी। जवाब में वुल्फगार्ड कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स की जान बार बार खतरे में नहीं डाल सकता, अगर अब जंग आपको करनी है तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। बुतिका का फैसला अटल था, वो सिर्फ एक ही कबीले के लोगों को लेकर जंग पे निकल जाती है। लेकिन इस मरतबा रोमन्स भी जंग की पूरी तैयारी के साथ आए थे, इस मरतबा उनसे लड़ना आसान नहीं हो रहा था। बुतिका की फौज मारी जा रही थी, रोमन्स अपने बिछाए हुए एक जाल के सर के पहले ही बुतिका के बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं। बुतिका की फौज और ताकत कम हो जाती है जिसके बाद ये रोमन्स उसके ऊपर हावी होने लगी थी। इस टाइम उसके ऊपर भी एक रोमन सोल्जर हमला करता है और वो नीचे गिर जाती है। वो बहुत तकलीफ में थी लेकिन लाचार होकर वो मरना नहीं चाहती थी, हिम्मत करके वो दोबारा उठती है। उसे लड़ना था तब तक जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस थी। ये लोग हार के बिल्कुल करीब ही थे कि तभी उसे पीछे से वुल्फगार्ड की आवाज आती है जो यहाँ अपने साथियों को लिए बुतिका की मदद को आ चुका था। यहाँ जंग दोबारा से शुरू हो जाती है जिसमें अब बुतिका के लोग जंग जीतने की तरफ जा रहे थे। लड़ते लड़ते बुतिका को उसकी बेटियों के बयान आते हैं जो उसे कह रही थी कि आप जो भी कर लें एंड पे आपको मरना ही है। उसके वियंस उसका ध्यान लड़ाई से भटका देते हैं और ऐसे में उसे एक तीर लग जाता है। बुतिका को गिरता देखकर रोमन सोल्जर्स के लिए तो जैसे ये गोल्डन मौका था, वो सारे एक साथ मिलकर जोर जोर से तलवारें बुतिका के जिस्म में स्टैब करते हुए उसे जान से ही मार डालते हैं। बुतिका मर चुकी थी और उसे मरने से पहले सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे लम्हों के वियंस आए थे। जंग बुतिका जीती या नहीं ये तो नहीं बताया गया, लेकिन कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि बुतिका की ये कहानी असल थी। आज भी बुतिका और बुतिका की बेटियों का स्टैचू लंदन में लगा है जिसको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।